नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड करीबन 25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी के आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। कंपनी की पी रेशियो 60 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 के आसपास है और कंपनी के एनुअली इनकम 420 रुपीज के आसपास है और ओवरऑल कंपनी के जो प्रोमोटर के होल्डिंग है वो 15 के आसपास है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग रहा है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रोमोटर के पास पहले 20% होल्डिंग था, आज 15% है। तो क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी है जिसके चलते हुए प्रोमोटर खुद माल बेच रहे हैं? देखिए, सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी है। डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी जैसे बैंक जैसे एक काम करते हैं उसी तरीके से एक कैटेगरीज बेसिस में काम करते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज में मान के चलिए हम लोग जो मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो जितने सारे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका टोटली कोई भी आप ब्रोकर के साथ काम करें वो डायरेक्टली आपका जो शेयर है वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ था, जब भी आप कोई भी शेयर को खरीदारी करते हैं करते थे तब उस सारे शेयर ब्रोकर के पास रहता था और ब्रोकर क्या करते थे, उस शेयर को गिरवी रखकर वो लोन उठाता था और उस लोन से वो पैसा कमा रहे थे। इसमें कार्वी जैसे कंपनी ने बहुत गलत काम किया और सारे शेयर होल्डर का पैसा डुबा दिया। तो यही कारण के वजह से सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन रूल्स लेके आए कि किसी भी ब्रोकर के पास कोई भी शेयर नहीं रहेगा, वो सारे शेयर सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास रहेगा। तब से लेकर सीडीएसएल और एनएसडीएल में अच्छा खासा ग्रोथ देखना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी देखिए सीडीएसएल और एनएसडीएल के ऊपर अगर प्रोमोटर ज़्यादा रहे तो वो भी तो इस तरीके से काम कर सकता है क्योंकि उसके पास शेयर रहेगा, वो भी कुछ इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से ब्रोकर कर रहा है। इसीलिए प्रोमोटर ही वहाँ पे रखना नहीं चाहता तो कुछ काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे बैंक में प्रोमोटर क्यों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैंक के प्रोमोटर अगर ज़्यादा होगा तो बैंक में आने वाला जो पैसा है उस पैसे को वो मिस यूज़ करेंगे। इसीलिए इस तरीके से सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा। तो एफएस के पास देखिए, वो सारे होल्डिंग एफएस के पास चला गया, डीएस के पास चला गया। अगर वो होल्डिंग्स पब्लिक के पास चला जाता तो मैं इस कंपनी को इग्नोर कर देता। तो इंस्टीट्यूशन के पास है, कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशन के पास अराउंड 40% के आसपास होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल इस कंपनी बहुत छोटा है, अभी भी 25,000 करोड़ के आसपास है। पोटेंशियल इस कंपनी में 1 लाख करोड़ तक जाने का, तो इतना बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और मेरे एक एंट्री लेवल भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मुझे एक रेंज मिला। इस रेंज के बेसिस में जब ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट रेशियो है 1:3 रेशियो का जो टारगेट लेकर चल रहा करीबन 3,070 रुपीज़ के आसपास। देखिए टारगेट होगा क्या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, मगर मैं जिस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम किया उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मेरा भरोसा है। जैसे स्ट्रैटेजीज क्या था, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज यही थे कि कंपनी एक रेंज के बेसिस में ट्रेड किया, मतलब बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कोई भी कंपनी काम करे और फाइनली उसका ब्रेकआउट करे, उसके बाद एक बार रिटेस्ट करे तो सोचना वो कंपनी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यही सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे फिर से लेने के लिए आया, तो चार चार बार सपोर्ट टेस्ट किया। इसका मतलब यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। तो अच्छा खासा एक बाउंस बैक किया, अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे कंपनी दिखाया जो कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला था। तो मुझे लगता है बहुत शानदार सिचुएशन बना था, इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़े। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड, बेसिकली इंडिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है और इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इसका वैल्यूएशन। बहुत हाई वैल्यूएशन में कंपनी जा चुके थे, अराउंड 106 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से करेक्शन होकर आज 70 तक आया है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ शेयर जिस तरीके से भागे चले जा रहे थे और जिस तरीके से वैल्यूएशन हाई हो रहा था कभी ना कभी करेक्शन होगा, और आज देखिए कंपनी के ऊपर शेयर में किस तरीके से करेक्शन हो रहा है। तो देखिए जो लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी लगातार भागते ही चले जाएंगे, उसके लिए बता दूँ कि ऐसे होगा नहीं, कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी वो गिरेगा, और वैल्यूएशन अगर हाई हो तो वो एडजस्टमेंट होने के लिए जरूर नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अभी क्या होने वाला है। देखिए एक चीज़ों को नोटिस करना, यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है और कंपनी क्या कर रहा है, इस 200 मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के बाद फिर से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाए तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कुछ इस तरीके से लेवल में है 1945 के आसपास।
1945 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में कंपनी नीचे आने की कोशिश करेंगे, उसी बेसिस में कंपनी नीचे आकर इस सारे चीज़ों को डिटेल्स में टेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से कंपनी का बाउंस बैक होने का चांसेस है, यहाँ से कंपनी के ऊपर जाने का भी चांसेस है, क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है। क्योंकि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट 259 से 545 तक कंपनी का सेल्स दिखे, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसी बेसिस में नेट प्रॉफिट 89 से लेकर 107 तक देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से देखने को मिला, जो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 7.673 से लेकर 7.91 तक कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है और जर्नी होने के लिए भी बहुत काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है तो इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। करेक्शन हो रहा है इस टाइम में, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है। जब भागता हुआ देखने को मिला था तब कोई कमेंट्स नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों का मन में यही सबसे बड़ा गलत बात, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यही जो आपका आप गलत बात है वो आपको दूर करना है। क्योंकि देखिए जब शेयर भाग रहे थे, इतने दिनों से जब शेयर भाग रहे थे तब कोई कमेंट्स नहीं आ रहा था, जब करेक्शन हुआ, जब टॉप लेवल से अराउंड 30% करेक्शन हो गया तो लोगों के मन में एक डाउट आ गया कि कंपनी खराब है, बेकार है। लेकिन कंपनी कोई भी खराब नहीं है, कंपनी आज जितना लेवल में है ना, फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा लेवल हाई में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इंडिया के अभी तो सिर्फ स्टॉक मार्केट के जर्नी शुरू हुआ है, अभी तो लोग इन्वेस्टर ट्रेडर्स अभी तो आना शुरू हुआ है, अभी भी 3.5 से 4% लोग ही टोटल इंडिया में काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, और चाइना में 33% और US में 55% तक लोग काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है इस सेगमेंट में ग्रोथ होने का। अगर ग्रोथ होगा तो डायरेक्टली एक्सचेंज का भी तो ग्रोथ होगा ना, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिले तो मैं कुछ डिसीजन और भी ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे माल बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है कि मैं एग्जिट करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा एंट्री है और इस एंट्री लेवल से मेरे ऑलमोस्ट जो लेवल निकल कर रहा है, जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था उस लेवल से अगर देखो तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास करेक्शन है। 30% तक अगर मेरे एंट्री लेवल से गिरे तो और भी मैं कुछ क्वांटिटी को ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं कोई स्टॉप लॉस लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इस कंपनी के ऊपर भरोसा ज़्यादा है तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट कंपनी, उसका नाम है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर हालत क्या है, देखिए इस कंपनी का हालत पॉजिटिव है। लगातार कंपनी यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया, तीन बार रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी ऊपर जाकर इस लेवल को टारगेट करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स एक बार, दो बार, तीन बार एंट्री पॉइंट्स देखने को मिला, और इसी एंट्री पॉइंट्स को देखने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से टारगेट पाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाँ, अभी कंपनी इस हाई लेवल से नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ से करेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए सेबी ने एक नया रूल्स जारी किया ब्रोकिंग कंपनी के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाने का अनाउंसमेंट भी किया। कैपिटल गेन टैक्सेस 30% तक बढ़ाने का अनाउंसमेंट करने वाला है। तो इस तरीके से न्यूज आने के बाद ही मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि देखिए फ्यूचर ऑप्शंस में अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया तो MCX भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि MCX के ऊपर टोटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ही काम होता है। तो जहाँ जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम करेंगे जो व्यक्ति, तो अगर उसको काम करने के ऊपर भी टैक्स देना पड़े और जो कैपिटल गेन होगा मतलब जो आप प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर भी अगर 30% आपको टैक्स देना पड़े तो मतलब रिटेल निवेशक तो ख़त्म हो जाएगा ना, पब्लिक तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसका मान के चलिए कोई एक दिन प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का, तो उसके ऊपर उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% टैक्स मतलब आप 1,500 रुपये से उसका कट हो जाएगा, तो 5,000 रुपये से 1,500 रुपये कट होने से कंपनी कितना मिलेगा, 3,500 रुपये। तो सोचिए 5,000 प्रॉफिट करने के बाद भी, सारे टैक्सेस देने के बाद भी 3,500 का प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या रिटेल पब्लिक काम ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ जरूर करेंगे, मगर उसके लिए टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड तक कंपनी के ऊपर हालत ख़राब होगा। तो MCX के ऊपर ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है, कंपनी अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का जर्नी अच्छा खासा फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो बाकी MCX के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, रियल इको एनर्जी लिमिटेड। रियल इको एनर्जी लिमिटेड जो एक 67 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है,
फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट यही है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। कंपनी बता रहा है कि 5:1 रेशियो का फेस वैल्यू यहाँ पे लेके आने वाला है, मतलब एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी एक के बदले 5 शेयर देने वाला है, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया होने जा रहा है। एक के बदले 5 शेयर पाने के लिए कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये सारे वीडियो एडुकेशन पर्पज में था, एक बार आपके ओपिनियन के बेसिस में काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।